नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। हर साल बच्चे का बर्थडे आता है, आपने हर बार बच्चे के बर्थडे पे गिफ्ट देके घर में गिफ्ट का भरमार हो गया है। अब कुछ भी गिफ्ट बचा नहीं है कि उनको गिफ्ट किया जाए। तो वैसे स्थिति में मात्र 2 लाख रुपए यदि आप गिफ्ट के तौर पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके छोड़ दें, SBI म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड में, एक्सिस म्यूचुअल फंड में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके इक्विटी म्यूचुअल फंड में छोड़ दें, 20 साल के लिए गिफ्ट के तौर पे 12% का रिटर्न पोर्टफोलियो डिलीवर करे, तो वो 2 लाख का वैल्यू बनता है 19,29,000 रुपया। जबकि 13% का रिटर्न अगर कैलकुलेट करूँ, उस 2 लाख का वैल्यू 20 साल के बाद 13% के रेट से बनता है 23 लाख रुपया। 14% के रेट से ये पैसा बनता है 27 लाख रुपया। जबकि 15% के रेट से पोर्टफोलियो डिलीवर करे रिटर्न, तो यही 2 लाख रुपया जो आप गिफ्ट में कुछ ना खरीद के इस पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके छोड़ दें, 50,000 रुपया करके 4 फंड में लगा के छोड़ दें 20 साल के लिए, और 15% का रिटर्न पोर्टफोलियो डिलीवर करे, तो उस 2 लाख का वैल्यू बनता है 32,73,000 रुपया। ये पैसे उनके जिंदगी में कुछ काम आ सकते हैं। जो गिफ्ट आपने आज तक देना था हो गया, लेकिन अब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड को गिफ्ट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 लाख रुपया इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखा और स्टेटमेंट को, उस कागज को अपने बच्चे के नाम पे लगा के छोड़ दिया लंबे समय के लिए। उदाहरण के तौर पे उस समय जब उनके फैमिली बच्चे हो जाएंगे तो 32 लाख रुपया का एक कार खरीद सकते हैं। जो आप गिफ्ट आज देना चाह रहे थे 2 लाख रुपया का, वो ना देके इन्वेस्ट कर दिया, तो इसी पैसे से उस समय जब उनके फैमिली बच्चे हो जाएंगे तो 32 लाख रुपया के एक ब्रांड न्यू कार खरीद सकते हैं। इसी तरह म्यूचुअल फंड का आपको छोटा छोटा कैलकुलेशन जानना है और यदि आप ऑफिसर हैं तो मेरे नंबर 9929641265 पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपने मंथली मीट और वेलफेयर मीटिंग में आप हमसे फाइनेंशियल प्लानिंग का क्लास करा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।